कन्वर्जन ऑफ गल्वानोमीटर टू एमीटर। अगर हम इससे पहले जब हमने गल्वानोमीटर को डिस्कस किया था तो उसकी बात अगर मैं कंटिन्यू करूं तो गल्वानोमीटर के लिए हमने कहा था कि ये एक्चुअली यूज़ क्यों होता है। गल्वानोमीटर जो हम यूज़ करते हैं एक्चुअली स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के लिए। बट अगर क्या हो कि अगर मैं एक गल्वानोमीटर को एक ऐसे सर्किट पे ज्वाइन कर दूँ जिसके जिसमें से जो करंट की वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा हो, करंट की जो वहाँ पर मकदार कह रहे हैं जो या वहाँ पर करंट की जो कुवत है वो बहुत ज़्यादा हो, किसी ऐसे सर्किट में अगर ज्वाइन कर दूँ तो गल्वानोमीटर जो है किसी लार्ज करंट में यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट में गल्वानोमीटर जो है वो डैमेज हो जाता है। ये गल्वानोमीटर जो है वो एक्चुअली बनाई है स्मॉल करंट को डिटेक्ट या स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए। अगर मैं इसको एक लार्ज करंट से ज्वाइन कर दूँ गल्वानोमीटर को तो यकीनन जो गल्वानोमीटर के पार्ट्स हैं या जो उसकी कॉयल है वो जल जाएंगे, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि डैमेज हो जाएगा गल्वानोमीटर। सो अब इन लार्ज करंट को मेजर करने के लिए, इन लार्ज करंट को जब हम मेजर करते हैं फाइंड करते हैं, इसको फाइंड करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं एमीटर। अब एमीटर क्या है? एमीटर दरअसल एक गल्वानोमीटर की मॉडिफाइड फॉर्म है, यानी कि इसको मैं इस तरह कहूँ कि ये जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गल्वानोमीटर, यानी कि हम गल्वानोमीटर से ही इसको मज़ीद रेप्लिकेट करके इसको और बेहतर बना कर हम गल्वानोमीटर से इसको फॉर्म करते हैं। और एमीटर जो हम यूज़ करते हैं टू मेजर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, तो ये इसकी मेन आगे डेफिनेशन कह लें या इसका जिसके मेन प्रिंसिपल है कि ये क्यों इस्तेमाल होता है, क्योंकि हम इसको इससे हम लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को फाइंड कर रहे होते हैं। अब हाउ टू कन्वर्ट अ गल्वानोमीटर इनटू एन एमीटर, हम इसमें यूज़ करते हैं जो इसकी कंस्ट्रक्शन कह लें कि इसमें हम यूज़ करते हैं अ शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद गल्वानोमीटर। इससे पहले भी हम जब मैट्रिक लेवल में इसको देख चुके हैं कि अगर हम एक गल्वानोमीटर को कन्वर्ट कर दें किसमें एमीटर में, तो उसमें एक शंट रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं इन पैरेलल विद द गल्वानोमीटर। अगर मैं इसके अब एक सीरीज़ इस तरह कह लूँ कि इससे अगर मैं सर्किचुअल डायग्राम ड्रा करूँ सर्किट के ज़रिए तो कुछ इस तरह ड्रा होगी कि सो ये इसकी डायग्राम आ गई कि इसमें हमने यहाँ पर हमने एक डायग्राम ड्रा कर दिया किसका, गल्वानोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए टू एमीटर। अब यहाँ पर हम डायग्राम में देखें तो हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस को यानी कि शंट रेजिस्टेंस आर एस शो कर रहे हैं यहाँ पे, शंट रेजिस्टेंस को यानी कि मैं यहाँ लूँ आर एस, तो ये शंट रेजिस्टेंस हमने इन पैरेलल लगा दिया किसके, गल्वानोमीटर के। अब इस तरह कह लें कि अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूँ, यहाँ पर हम ये शो कर रहे हैं लाइन जो है, अब ये इस लाइन से जब करंट आई ट्रैवल करता हुआ इस पॉइंट पर आ रहा होगा तो गल्वानोमीटर यानी कि ये जो करंट है इसकी जो वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट है ये। अब जब इस पॉइंट पर आ रहा होगा तो यकीनन करंट के पास जो है वो दो रास्ते नज़र आ रहे हैं कि एक तो ये रास्ता हो गया कि यहाँ से करंट जी ट्रैवल हो जाए यहाँ से, और दूसरा रास्ता उसके पास ये है कि वो नीचे से इस तरह गुजरता हुआ आर थ्री से होता हुआ सामने जाके फिर ये दोनों करंट जो ब्रोकन करंट है स्प्लिटअप करंट है ये आपस में इस लूप पर आके इस पॉइंट पर आके ज्वाइन हो। बट अब जो टूटने की वजह यह है कि जो हमने यहाँ पे आर एस जो रेजिस्टेंस लगाया हुआ है शंट रेजिस्टेंस, इसकी जो वैल्यू होती है यानी कि हम शंट रेजिस्टेंस उन रेजिस्टेंस को कहते हैं जिनकी वैल्यू जो है बहुत ही लो हो, या इस तरह ले दूं कि इनकी जो वैल्यू होती है वो वेरी लो होती है। सो शंट रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होते हैं जिनकी वैल्यू बहुत ही लो हो। अब हमने इससे पहले जब हमने पैरेलल और सीरीज सर्किट किया था तो उससे हमने ये डिस्कस किया था कि जब करंट कहीं से फ्लो हो रहा हो तो हमेशा वो क्या रहता है, अपनी आसानी। अब अपनी आसानी के लिए यानी कि गल्वानोमीटर वाले सर्किट से गल्वानोमीटर वाले लाइन से उसके पास जो रेजिस्टेंस है यानी कि करंट को रुकावट जो है वो ज़्यादा होगी, जबकि आर एस शंट रेजिस्टेंस हमने कहा कि एक बहुत छोटी रेजिस्टेंस की वैल्यू यानी कि यहाँ पर जो रुकावट है वो कम होगी। तो यकीनन जब ये लार्ज अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पर इस पॉइंट पर आके टूट रहा होगा तो आर एस वाली साइड से यानी कि आर एस वाले जो सर्किट नीचे वाली लाइन से करंट ज़्यादा गुजर रहा होगा क्योंकि यहाँ पर रुकावट कम है, और ऊपर वाली यानी कि गल्वानोमीटर वाली लाइन से आर जो है या आर नहीं मैं सही कर दूँ उसको करंट जो है वो यहाँ पर कम गुजर रहा होगा, उसकी वजह यह कि यहाँ पर रुकावट ज़्यादा है। तो गल्वानोमीटर जो कि आदि है स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को बर्दाश्त करने का,
तो गल्वाइनोमीटर वाली सर्किट से छोटी करंट ही गुजर रही होगी, छोटी कम वैल्यू की करंट गुजर रही होगी, जबकि जो उसके नीचे हमने या उसके जो पैरेलल में हमने एक शंट रेजिस्टेंस ज्वाइन कर दिया, उससे लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो है वो गुजरती हुई इस पॉइंट पर आ रही होगी, फिर आगे जाके यानी कि इस तरह हमने ये जो एमीटर है वो इस तरह करंट को मेजर कर रहा होगा। यानी कि इस डायग्राम को अगर मैं कंप्लीट करूँ तो ये एक्चुअली ये जो सर्किट पैरेलल हमने लगाया ये जाके फॉर्म करता है आगे एमीटर। सो यानी कि इसको अगर मैं करंट की डायग्राम बनाऊँ तो करंट आई इस तरह से ट्रैवल करता आया और इस आई यहाँ पर आने के बाद उसको दो रास्ते मिल गए। दो रास्ते में एक बन गया वो आई जी यानी कि गल्वाइनोमीटर से जो करंट गुजर रहा होगा और दूसरा बन गया वो आई एस जो कि शंट रेजिस्टेंस से करंट गुजर रहा होगा। ये हमने ड्रॉ किया फॉर करंट। सो ये उसके डायग्राम्स हो गए। अब अगर मैं इसको मैथमेटिकली ड्राइव करूँ, इन तमाम चीज़ों को अगर मैं मैथमेटिकली शो करूँ तो कुछ इस तरह होगी कि मैं इसको पहले ये मेरे पास इस रीजन में करता हूँ मैथमेटिकली वाले साथ। अब मैथमेटिकली हम देख सकते हैं कि गल्वाइनोमीटर के जो सर्किट है यानी कि ये वाला सर्किट जो मैंने ऊपर शो किया और ये रेजिस्टेंस वाला सर्किट, ये दोनों आपस में पैरेलल में, यानी कि हमने ऊपर भी लिखा हुआ है कि इन दोनों को हमने पैरेलल में ज्वाइन किया हुआ है, तो हमें पता है कि सेंस एट पैरेलल सर्किट, यहाँ पर पैरेलल सर्किट में जो वोल्टेज है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि जो पैरेलल सर्किट में जो गल्वाइनोमीटर पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा यानी कि इस पॉइंट पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इन दोनों लूप्स पे और इन दोनों लूप्स पे, तो गल्वाइनोमीटर पे जो करंट ड्रॉप हो रहा होगा, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, वो किसके बराबर होगा, जो वोल्टेज शंट रेजिस्टेंस के उस पर ड्रॉ हो रहा होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ फॉर वोल्टेज के लिए, ये एक लाइन है फॉर गल्वाइनोमीटर, फिर इसी को हमने ज्वाइन कर दिया नीचे और यहाँ पर हमने ज्वाइन कर दिया आर एस को। अब जो वोल्टेज यानी कि ये जो दोनों टर्मिनल्स है वोल्टेज के, वो इधर से और इस वाली साइड से ट्रैवल करते हैं, यानी कि ये फॉर एग्जांपल कह रहे हैं ये नेगेटिव साइड वाली साइड है और ये पॉजिटिव साइड है। तो अब ये जो लाइन यहाँ तक आ गई, अब यहाँ पर ये लूप और इसका जो ये वाला लूप है ये एक ही पॉइंट पर आके मीट कर रहे हैं, यानी कि जो इसको मैं ब्लू से अगर शो कर दूँ तो ये गल्वाइनोमीटर के दोनों लूप्स इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, जबकि रेजिस्टेंस के भी दोनों लूप्स इस पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे, सिमिलर पॉइंट है इन लोगों के दरमियान का। तो अब जो वोल्टेज इस पॉइंट पे आ रहा होगा वो यकीनन किसके बराबर होगा, इस गल्वाइनोमीटर पे भी सेम होगा और इस पे भी सेम होगा, क्योंकि जो दोनों के टर्मिनल्स हैं वो एक ही पॉइंट पर आके मीट कर रहे हैं, वो ये दो पॉइंट्स आ गए, यानी कि ये वाले पॉइंट्स आ गए वो। सो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि वोल्टेज दोनों पे बराबर है। अब जिस तरह से हमें पता है कि V जो है वो बराबर होता है आई आर के, और ये हमें पता है फ्रॉम ओहम्स लॉ। सो अब वी जी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, आई जी आर जी, यानी कि करंट एट गल्वाइनोमीटर एंड रेजिस्टेंस एट गल्वाइनोमीटर, और जबकि वी एस यानी कि वोल्टेज एट शंट रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा आई एस आर एस, यानी कि वोल्टेज एट शंट रेजिस्टेंस, करंट एट शंट रेजिस्टेंस एंड शंट रेजिस्टेंस की जो अपनी एक वैल्यू है वो। सो अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन वन में पुट कर दूं, तो उसको पुट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह आ रही होगी कि वी जी की जगह हमने लिख दिया आई जी आर जी और वी एस की जगह हमने लिख दिया आई एस आर एस। एक्चुअली हम इसमें हम कह सकते हैं हमने जो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड किया वो है शंट रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू हमने कहा है बहुत लो है, बट कितनी वैल्यू है वो हमें नहीं पता। तो इस कितनी वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस शंट रेजिस्टेंस की जो मिकदार है उसके जो वैल्यू है अमाउंट है उसको फाइंड करने के लिए जब इक्वेशन ड्राइव करेंगे वो हम इस सर्किट से, इस इक्वेशन से ड्राइव करेंगे। और वो किस तरह, कि अभी ये आर एस है और आर एस जो है हमने इसको इस तरह डिवाइड कर दिया कि नेक्स्ट लाइन में कर दूँ, तो आर एस हमने इक्वेशन की एक तरफ रहने दिया, बाकी जो आई एस है वो यहाँ पर आके नीचे साइड पर आके
डिवाइड हो गया, तो ये आ गया आई जी आर जी जो कि इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड थी, और नीचे आ गया आई एस। सो ये बन गया मेरे पास इक्वेशन। फॉर रेजिस्टेंस इसको हम मजीद आगे और फर्दर भी ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं इस तरह कहूँ कि ये जो आई है वो किस में टूट रहा था, आई जी और आई एस में, आई जी एंड आई एस में। और यहाँ पर अब मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैं इन यानी कि आई ब्रोकअप हो रहा है आई जी और आई एस में, यानी कि जब मैं इन आई जी और आई एस को मिलाऊँगा, जोड़ूंगा, ऐड करूँगा, तो वापस मुझे क्या मिलेगा, आई। सो इसकी इक्वेशन जो बनती है वो यहाँ ही बनती है कि आई जो है वो एक्चुअली क्या है, सम है किसका, गैल्वेनोमीटर के करंट का और शंट रेजिस्टेंस के करंट का। तो हम इस तरह देखें, सिंस जो टोटल करंट है यहाँ पर सर्किट में वो किस में टूट रहा है, आई जी और आई एस में, यानी कि इन दोनों को जोड़ने से मुझे टोटल करंट मिल जाएगा आई जी और आई एस को। सो अब अगर मैं इस आई एस की वैल्यू पुट कर दूँ तो आई एस जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पर आई माइनस आई जी। सो अबव इक्वेशन बिकम्स आर एस, और आर एस जो है यहाँ पर आ गया आई जी आर जी, और आई एस की जगह में लिख दें यहाँ पे आई माइनस आई जी। अब सवाल ये आता है कि हमने दो रेजिस्टेंस की वैल्यू दो तरह की इक्वेशन क्यों ड्राइव किए, तो ये हमने सिंपल एक न्यूमेरिकल के लिए ड्राइव किया सेकेंड वाली इक्वेशन, उसकी वजह यह है कि मेन तो हमने यहाँ तक हमें ड्राइव कर दिया। अब अगर हमें कुछ न्यूमेरिकल में कुछ क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आए कि हमें जो शंट रेजिस्टेंस पे जो करंट ड्रॉप हो रहा है वो मुझे उसकी वैल्यू गिवन ना हो, बल्कि उसकी जगह मुझे गिवन हो सवाल में टोटल करंट, तो फिर मैं किस तरह शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करूँगा। तो वैसे हल में जो हम ये वाली क्वेश्चन यूज़ करेंगे, जब मुझे टोटल करंट गिवन होगा, और अगर मुझे क्वेश्चन में आई एस गिवन होगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। सो इन शॉर्ट हम इस तरह कह सकते हैं कि इस लेक्चर में जो हमने कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर को डिस्कस किया।